हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम दिखाने वाले हैं आपको हमारी स्कॉर्पियो एन के अंदर हमने लगाई है एक बार लाइट। बार लाइट रहने वाली है हमारी JCBL कंपनी की। तो कंपनी भी काफ़ी चल रही है आजकल, और इसके ऑटोमेटिक फुटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जो आपने देखे होंगे फॉर्चूनर्स और उन सब में लगते हैं। तो उसी कंपनी की आज हम बार लाइट लेकर आए हैं। 30 इंचेस की ये बार लाइट रहने वाली है, और कई सारे साइजेस में ये अवेलेबल है। 20 इंचेस भी इसमें आता है, 30 भी आता है, और कई सारी थार्स पे आपने देखा होगा पूरी रूफ पे लगी होती है, वो होती है 50 इंच वाली। तो हमने अपने स्कॉर्पियो में लगवाई है 30 इंच की बार लाइट। अभी हम आपको चला के पूरा दिखाएंगे। तो इसका मैं आपको सबसे पहले यूसेज बता देता हूँ। ये जो बार लाइट हमारी होती है, ये सिटी में यूज़ करने के लिए नहीं होती है लाइट, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लाइट होती है। और जहाँ आपको दूर तक का थ्रो चाहिए, कोई हाईवे है जहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है, और अपना टू वे प्रॉपर हाईवे है, या फिर आप कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो, उसी पर्पज़ में इस लाइट का यूज़ है। आप सिटी में इसको बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि भले ही ये नीचे भी लगी हुई है, तब भी कई लोगों को ये डिस्टर्ब कर सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा रिस्पॉन्स चेक कराते हैं लाइट का। तो भाई, सबसे पहले आप चेक कर सकते हो इस बार लाइट की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो है इसकी ये बहुत ही प्यारी सी DRL। तो DRL वाली बार लाइट आपने बहुत ही कम देखी होगी। ये सबसे पहली बार JCBL के अंदर ही आई है, और आप लुक भी इसका देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। इसका मैं आपको ऐप भी दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो हमारी बार लाइट है, ये ऐप कंट्रोल्ड है हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम इसको यहाँ से, एक सेकेंड मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो गाइज, यहाँ से हम इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये रेड मैंने करा, रेड हो गया। आप इसको RGB मोड के अंदर भी रख सकते हो, और नॉर्मल आपको वाइट लाइट रखनी है आप वो भी रख सकते हो, और अगर आपको इसे बंद कर देना है, बिल्कुल स्टेल्थ लुक चाहिए, तो वो भी इसमें ऑप्शन है। तो ये एक एडिड फीचर है जो कि बहुत ही अच्छा है इस बार लाइट के अंदर। तो गाइज, अब चेक करते हैं इस बार लाइट का रिस्पॉन्स। तो शुभम, लाइट ऑन कर दे एक बार। तो सबसे पहले तो आप फ्रंट से ही देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लगती है ये लाइट गाड़ी में लगी हुई। और सामने आप देखो इसका रिस्पॉन्स, तो आप देख सकते हो बहुत ही दूर तक ये लाइट जाती है। और इस लाइट की क्लेम्ड रेंज है 400 से 500 मीटर्स की, और अभी हमारे पास उतना एरिया हमें मिल ही नहीं पा रहा है खाली कि हम आपको इसकी एक्चुअल रेंज दिखा पाए। बट इसके बाद हम कुछ ड्राइविंग शॉट्स भी ज़रूर लेंगे, जिसमें हम आपको इसकी पूरी रेंज का आइडिया दिखा पाएंगे। ये आप देख सकते हो, अब हमारी गाड़ी की लो बीम भी ऑन हो गई है, और शुभम एक बार हाई बीम भी ऑन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कंप्लीट लाइटिंग सेटअप जो अब हमारी स्कॉर्पियो का हो गया है। और गाइज, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर रात हो रही है, इस समय दिन निकल गया है पूरा। एक बार हम बंद कर देते हैं सारी चीज़ें, और लाइट भी बंद कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो गाइस, कितना अंधेरा है यहाँ पर। और उसके बाद जब बार लाइट हमारी जलती है, तो ये देखो कितनी दूर तक ये लाइट मारती है। वॉटेज की अगर बात करें तो 150 वॉट कंपनी इसको क्लेम करती है, बट वॉटेज का मेरे को नहीं पता, बट ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लाइट है, आप देख सकते हो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका एक मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट कार लिंक किट की तरफ से, ये है हमारा एंड्रॉइड बॉक्स। अगर आपको अपनी गाड़ी में एंड्रॉइड चलाना है, मतलब नेटफ्लिक्स देखना, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, और अपना स्टीरियो चेंज नहीं करना, तो आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हो, सिर्फ इतना सा है, इतना स्लीक सा। एंड आप इसको अपने USB में लगाओगे तो सामने आपकी स्क्रीन पे एंड्रॉइड चलने लग जाएगा, एंड आप ये चेकआउट कर सकते हो। आपको एक बार यूट्यूब ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अपना यूट्यूब, आप पूरा इंटरफेस देख सकते हो, प्रॉपर आपके इसमें गाने वीडियो सब कुछ चलेगा। उसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप नेटफ्लिक्स भी बहुत इजीली चला सकते हो। एंड यही बात करें तो आप प्ले स्टोर से यहाँ पे कोई भी ऐप जो है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फायदे। इसमें आपको 6 मंथ्स की मनी बैक गारंटी मिलती है, एंड आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, फ्री आपको इंटरनेशनल शिपिंग मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। एंड अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो IAM, इट्स अबाउट मशीन्स का IAM, एंड वो आप यूज करोगे तो आपको 18% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेज करना है ये प्रोडक्ट, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर सकते हो, हम आपकी सारी क्वेरीज का आपको जवाब देंगे। अब वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू।
तो ये गाइस आप देख सकते हो इसका हमने स्विच जो लगवाया हुआ है वो हमने यहाँ लगा रखा है, और ये कंपनी के साथ ही आता है, आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। और इसमें एक ये लाइट सी भी रहती है ताकि दिन में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि लाइट ऑन है या ऑफ है, तो ये भी इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाइस हम आ गए हैं अब गाड़ी के अंदर, और अब आपको थोड़े रनिंग शॉट्स दिखाते हैं इस लाइट के। तो भाई ये कहना गलत नहीं है कि ये ना बिल्कुल लेजर लाइट की तरह है, आप जहां फोकस करोगे ना अपनी गाड़ी को वहीं पे ये लाइट मारती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे एक हमारा वो आने वाला है थोड़ा इंक्लाइन सा, तो उस पर भी जब नीचे उतरेंगे तो आप इस लाइट का जो है एक बार थ्रो चेक करना कि कहां तक जाता है। देखना बिल्डिंग पे मारेंगे अभी लाइट, ये आप चेक कर सकते हो, पूरा पेड़ पे आ गया ऊपर तक। और अभी ये देखो गाइस बिल्डिंग पे भी अब इसका थ्रो आ गया है। तो जहां तक आप देखते हो एटलीस्ट वहां तक ये लाइट जो है बहुत अच्छे से दिखती है। और अब हमारे यहाँ पे एक थोड़ी खाली सी रोड है, तो यहाँ पे भी आपको एक बार रिस्पॉन्स चेक करवा देते हैं। और भाई मैं फिर से इस बात पे एम्फसाइज करूंगा कि सामने आने वाले लोगों पे मत मारना, थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। तो हमने लाइट अभी बंद कर दी है, सामने से लोग आ रहे हैं तो ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हम लोग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते इसको सिटी में यूज करना, तो हम देख के ही करेंगे। तो अब ऑन कर लेते हैं। और इसमें खासियत ये है कि अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट को मोड़ दो और बिल्कुल सीधे ना हो इसके, तो आपकी आंख में ये लाइट इतनी पड़ती भी नहीं है। अब ये साइड से गाड़ियां जा रही है, इन सबको लाइट नहीं पड़ रही होगी, बहुत ज्यादा फोकस्ड है। हाँ, बिल्कुल अगर सामने कोई आएगा तभी पड़ेगा, या आप इसकी बीम चेक कर सकते हो, तो जहां पे गाड़ी मुड़ेगी साथ साथ ये बीम जो है आपको पूरी फील होने वाली है कि कहां आती है। यहाँ भी खाली पैच है तो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप सामने बस देख सकते हो, वो मेट्रो का पिलर है, वो भी अच्छा खासा इसमें विजिबल है। तो अभी यहाँ पे एक सुनसान सा ग्राउंड है, उसके अंदर हम एक पूरा 360 मारते हैं और आपको इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो पता चलेगी कि क्या है। तो हमने फिर से देखो गाइस बंद कर लिए क्योंकि सामने से ट्रैफिक आ रहा था। तो अब ये है वो सुनसान सा ग्राउंड, इसके अंदर चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं इसका थ्रो। पहले तो यहीं से आप देख सकते हो ये पूरा सामने ग्राउंड जो है रोशन हो गया, और इसकी बीम आप चेक करो पूरे ऊपर तक जाती है, जहां आप देखोगे आपको यही लाइट देखने को मिलेगी। और अब आप चेक कर सकते हो इसकी बीम, कहीं भी आपको ऑफ रोडिंग करनी हो या कोई बहुत ही सुनसान आप हाईवे पे हो तो ये लाइट बहुत ही काम में आने वाली है आपके। ये चेक करो गाइस जहां पे आप गाड़ी मोड़ोगे वहीं पे इसकी एक प्रॉपर बीम जो है वो जाती है, आंखें देख पाएंगी वहां तक ये जाएगी। तो ये देखो गाइस बिल्कुल सामने, मतलब जहां पे आपको एक्यूरेटली गाड़ी चलाते हुए रोशनी चाहिए बिल्कुल वहीं पे ये जो है रोशनी मारेगी एकदम, और आपका जो सारा पर्पस है ऑफ रोडिंग वगैरह का वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप चेक करो, कभी इससे मजा भी आता है थोड़ा खेलने में कि लाइट वैसे मारते हुए खेलो, पर वही अगेन सिटी में इसका कोई यूज नहीं है। तो अब एक दो जगह और लेके चलते हैं, वहां और चेक कर आते हैं क्या रिस्पॉन्स है। तो अभी यहाँ पे हम राइट लेते हैं और आपको इसका थ्रो चेक करवाते हैं, यहाँ पे आपको बीम बीम का अंदाजा एकदम अच्छे से पड़ जाएगा। तो ये है गाइस वो कट, थोड़े लोगों को जाने देते हैं पहले, अब खाली है ले चल भाई। तो ये चेक करो गाइस, ये देख सकते हो आप इसका थ्रो सामने बिल्डिंग तक इसका थ्रो जाता है, और अच्छे से कम ये 300-400 मीटर होगा, है ना, बिल्डिंग तो दूर है। हाँ तो बिल्डिंग दूर है, अच्छा खासा आप देख सकते हो कि इसका थ्रो जो है बहुत तगड़ा है, और साइड में भी देख सकते हो आप कि ऐसी दो लाइट्स आपके साथ साथ चलती हैं। तो ओवरऑल जो है काफी एरिया जो है ये कवर करता है, अगर आप प्रोजेक्टर वगैरह से कंपेयर करते हो छोटे मोटे से तो वो नीचे ज्यादा एरिया कवर करते हैं, ये एक बीम की तरह है जो कि आप देख सकते हो सामने तक जाती है, मतलब जहां पे आपको बिल्कुल सामने आपको जितनी रोशनी चाहिए वो आपको मिलेगी। तो ये आप चेक कर सकते हो गाइस, मजा आता है इससे खेलने में ना। जहां मारनी है लाइट वहां मार सकते हो आप एकदम, बस आपको स्टेयरिंग घुमाना है। प्रोजेक्टर जो होता है ना वो पूरा कवरेज करता है रोड का, इसका काम है लेंथ देना आपको प्रॉपर, जो लेंथ आपको चाहिए। और बिल्कुल गेम की तरह है, स्टेयरिंग व्हील हिलाते रहो और बीम जो है वहां मारते रहो। तो फिर से गाड़ियां आ गई है, लाइट बंद कर लेते हैं भाई। तो गाइस आपको भी बात ये ध्यान रखनी है, वीडियो बनाते हुए तब से हम यही बात पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं, और जब खुद की आंख में लगती है तभी पता चलता है कि अभी हम इतनी बुरी चीज है। जा नहीं सकते इधर उधर कि हम कहीं बहुत दूर हाईवे पे जाएं, हाँ। तो इसलिए हम ये ऑन ऑफ कर रहे हैं, वरना हम ऑन करते ही नहीं है,
ये जस्ट एक जब हाईवे पे निकलो तब के लिए बात है। तो हम पहाड़ों में ट्रैवल जैसे करते रहते हैं और स्कॉर्पियो ली भी इसीलिए थी, तो उसकी प्लानिंग चल रही है। तो इस वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।